इलाकों में हुई बर्फबारी से मैदानी इलाके कांप रहे हैं। हर जगह कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बता दें कि इंसानों की तो वे ठंड से बचने के लिए अलाव का भी सहारा ले लेते हैं, लेकिन वन्य जीवों पर ठंड का मौसम किसी कहर से कम नहीं है, क्योंकि वन्य जीव इंसानों की तरह ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा नहीं ले सकते। यही वजह है कि वन्य जीव गर्म स्थानों पर छिप जाते हैं, खासकर सांप। सर्दियों के मौसम में ग्रामीण इलाकों या कच्ची मिट्टी वाले इलाकों में सांप ज्यादातर पाए जाते हैं। इन्हीं सांपों को रेस्क्यू करने का काम वाइल्ड लाइफ SOS NGO कर रही है। इस NGO ने मथुरा आगरा बॉर्डर के इलाकों से 20 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू कर उनकी ठंड से जान बचाई है। NGO ने मथुरा आगरा बॉर्डर के गांवों से करीब 20 से ऊपर सांपों को बचाया। उन्हें कुछ देर देखरेख में रखने के बाद सुरक्षित रूप से वापस जंगल में छोड़ दिया गया। इस सर्दी के मौसम में वाइल्ड लाइफ SOF की रैपिड रिस्पांस यूनिट को आवासीय क्षेत्र में सांपों के देखे जाने की 20 से अधिक सूचना मिली। बचाए गए इन सांपों में अधिकांश रूप से कोबरा, अजगर, रॉयल स्नेक और वुल्फ स्नेक थे, जिसमें 7 अजगर को बचाया गया। ज्यादातर रेस्क्यू किए गए सांप तेज धूप वाली जगह, ऑटोमोबाइल इंजन और पाइप से बचाए गए हैं। यहाँ वे शीत लहरों से बचने के लिए एवं गर्म रहने के लिए छुपकर बैठे थे। इन सभी सांपों को अस्थायी निरीक्षण के तहत रखा गया और उचित तापमान एवं सुरक्षित जगहों पर बाद में छोड़ दिया गया। सांप अपने शरीर के तापमान को अन्य स्तनधारियों की तरह संशोधित नहीं कर सकते। उन्हें जीवित रहने के लिए बाहरी गर्म ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है। आप भी देखिए कैसे वाइल्ड लाइफ SOS की टीमें सांप को रेस्क्यू कर रही है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। स्टार्ट। मेरा नाम डॉक्टर यदुराज है। मैं वाइल्ड लाइफ SOS में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और हमारे पास आजकल ठंड के दिनों में बहुत सारे जानवर और पक्षी आ रहे हैं रेस्क्यू होके। पिछले हफ्ते में हमारे रेस्क्यू टीम ने करीब करीब 20 से ज़्यादा सांप रेस्क्यू किए, जिसमें ज़्यादा करके अजगर थे। और ये इसलिए हो रहा है कि ये ठंड के सीज़न में जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तब सांप जो है वो गर्म जगह ढूंढते हैं और जहाँ पर आदमी सेकते हैं वहाँ के आसपास या घर में आ जाते हैं, उस वजह से हमें लोग बुलाते हैं पकड़ने के लिए। तो हमारे यहाँ पे 24 घंटा रेस्क्यू हेल्पलाइन है और आगरा और मथुरा के आसपास के जो भी गांव है और उसके आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पे कहीं पे भी कोई जंगली जानवर या पक्षी दिख जाए तो आप हमारी रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुँच जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।